तो हेलो भाई, मेरा नाम स्वप्निल श्रीवास्तव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, फोर्ड की इको स्पोर्ट भाई एक्सीडेंट हो चुकी है। बहुत गंदी वाली एक्सीडेंट हुई है भाई, और ये नतीजा था भाई तेज़ रफ्तार का। भाई पूरा एयर बैग खुल चुका है गाड़ी का, देख सकते हो। तो भाई यहाँ से ये नीचे गिरी है भाई, वहाँ से पेड़ में टकराते हुए, देख सकते हो भाई। पीछे का इसीलिए इसका ख़त्म हो चुका है। और इसकी पैसेंजर की बात करें तो भाई इसमें दो पैसेंजर थे जो कि सेफ़ है भाई, जो गाँव वालों ने बताया मुझे। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई, पूरा पीछे से ख़त्म हो चुका है इसका सी पिलर, डी पिलर भाई, यहाँ तक कि ए और बी पिलर में बहुत सारे डैमेज आए हैं भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस साइड के एयरबैग्स नहीं खुले हैं, इम्पैक्ट उस साइड था इसलिए उस साइड के एयरबैग्स खुले हैं, इसमें छः एयरबैग आते हैं। तो भाई गाँव वाले अंदर बैठे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं सब। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो, पूरा ख़त्म हो चुका है भाई, ए टू जेड। यहाँ पे देखो, ये भाई डीजल वाला वेरियंट है, टॉप वेरियंट है इसका फोर्ड इको स्पोर्ट का। यहाँ पे देख सकते हो एयरबैग सब भाई। अंदर देखोगे तो भाई अंदर देखो, इंफोटेनमेंट सबको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बाहर में पूरा ख़त्म हो चुका है वो गाड़ी पूरी तरह से। आगे देख सकते हो, पूरा चक्का वक्का पूरा निकल चुका है। हालांकि भाई फोर्ड इको स्पोर्ट की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन तेज़ रफ्तार और ओवर स्पीडिंग में आपको बिल्ड क्वालिटी नहीं बचा सकती। वो तो पैसेंजर वालों की किस्मत है कि वो सेफ़ निकले, इसलिए भाई ओवर स्पीडिंग ना करें और ऐसे छोटे रोड्स में तो बिल्कुल ना करें भाई। वो तो अच्छी बात है कि भाई इंपैक्ट पीछे का साइड हुआ, आगे का साइड नहीं हुआ, नहीं तो पैसेंजर को चोट लग सकती थी बहुत, क्योंकि गाड़ी पलटी भी है भाई, देखने से वैसा लग रहा है। तो भाई इसीलिए सेफ चले, सुरक्षित चले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।